हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज मेरे पास आया है ओप्पो का A3s मोबाइल। तो दिख रहा होगा ये काफ़ी इसका ढक्कन है तो फट चुका है दोस्तों, और ये ख़राब हो चुका है। तो आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई है दोस्तों, जो जिसका ढक्कन क्यों उखड़ा है दोस्तों। बाकी ये ढक्कन उखड़ना नहीं चाहिए था इसका, लेकिन ये ढक्कन उखड़ चुका है। देखिए दोस्तों, ये इसको बिल्कुल उखड़ा पड़ा है। तो ये जो इसकी बैटरी है काफ़ी फूल चुकी है दोस्तों। देखिए तो आपको दिखा रहा हूँ मैं, बिल्कुल बैटरी फूल चुकी है, जिसके कारण कि इसका जो बैक ढक्कन था वो उखड़ चुका है। लेकिन ये उखड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि चिपका होता है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन ये उखड़ चुका है। और पीछे जो लैमिनेशन कर रखी थी, इस करके कर रखी थी, थोड़ा बहुत उठा होगा तो इसके कारण इस पर लैमिनेशन कर दी। लेकिन ये बैटरी ज़्यादा फूल चुकी है, इस करके ये ढक्कन इसका फट चुका है। और इसके क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जो नट वगैरह है वो भी अंदर की तरफ लगे हुए हैं। ये ढक्कन है, खाली ढक्कन के ऊपर चिपका होता है, लेकिन ढक्कन है। देखिए ढक्कन, इसको ऐसे खोलते हैं, देखिए तो इसको ढक्कन को उतार लेते हैं यहाँ से आराम से बिल्कुल। तो देखिए अब ये उतारने के बाद क्या करना है, इसको हमें ठीक करना अच्छी तरह। जो ये चीज़ दिख रही है, इसकी भी लैमिनेशन उतार लेते हैं ताकि ये साफ़ सुथरा लगे, क्योंकि लैमिनेशन भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है और साइडों की जो निकली हुई टेप वो भी ख़राब लग रही है। तो इसको फटाफट यहाँ से उतार लेते हैं। टेप को भी देखिए, ढक्कन बिल्कुल साफ़ सुथरा निकल चुका है यहाँ से बाहर। तो अब हम आगे क्या करना है, देखिए जो ये इसका एक क्रोम रिंग थी, ये ढक्कन वाली रिंग थी, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल ये ऐसे चिपका होता है जैसे आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे चिपका हुआ था। लेकिन ये बैटरी फूलने के कारण इसका पीछे ढक्कन ही फट चुका है। तो अब इसको ढक्कन को भी क्या करेंगे, यहाँ से इसको कुर्च कुर्च के अच्छी तरह कुर्च लेंगे। कुर्चने के बाद आपको दिखाता हूँ कुर्चने से क्या होगा दोस्तों, का बेनिफिट है दोस्तों। देखिए जब इसको कुर्चेंगे यहाँ से हम, खुर्चने से क्या होगा दोस्तों, इसकी जो एक्स्ट्रा टेप लगी हुई है, जो गोंद लगी हुई है वो उतर जाएगी यहाँ से। उतरने के बाद क्या होगा, जो हम इसके ऊपर ये ढक्कन लगाने वाले हैं, देखिए यहाँ पे ढक्कन लगाएंगे जब, तो इसकी फिटिंग बिल्कुल सही तरह आएगी, तो पता भी नहीं लगेगा उखड़ा था या नहीं उखड़ा था। तो ऐसे ही हमें ढक्कन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना, ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों चीज़ों को इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में, पहले इसको फ़ोन को देखते हैं, इसकी बैटरी वगैरह को देखते हैं क्या दिक्कत हुई है। तो इसके यहाँ पर नट फटाफट खोल लेंगे दोस्तों, नट को खोल लेंगे। नट खोलने के बाद ये पत्ती है, इसको उठाएंगे बाहर फटाफट। तो नट खोल लेते हैं सारे के सारे, तो इस पत्ती को उठा लेंगे। देखिए तो ये बैटरी है, बैटरी को यहाँ से निकाल लेंगे कनेक्टर को। तो बैटरी को दोस्तों यहाँ से निकालते हैं, तो बिल्कुल इसमें हमें सेफली निकालना है, क्योंकि इसमें कोई भी ओपनर वगैरह अगर घुस गया तो अंदर इसके बैटरी की, तो बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, फट सकती है, तो कहीं से भी लीक हो सकती है। वैसे बैटरी है तो ख़राब है, लेकिन हमें सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना है। फ़ोन वगैरह का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, हमें फ़ोन को ठीक करना है ना कि और ज़्यादा ख़राब करना है। तो इसलिए हमें बिल्कुल सेफली बैटरी को निकालते चले जाएंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ से अब डालेंगे, तो इसको हलाएंगे, तो अब इससे बाकी की जो हिस्सा रहेगा इसको हाथों से अलग कर देंगे। देखिए तो बैटरी आपको दिखा रहा हूँ मैं, काफ़ी मोटी हो चुकी है फूलने के कारण, ये ज़्यादा देर चार्जिंग लगी होगी उसके कारण भी हो चुका है, या फ़ोन में शॉर्टिंग वगैरह हो जाती है हल्की फुल्की, उसके कारण भी फूल जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसको अब रखते हैं साइड में, क्योंकि ये फूल चुकी है, ये किसी काम की नहीं है, तो ये स्क्रैप के अंदर ही बिकेगी। तो अब इसमें नई बैटरी डालते हैं, तो दिखाते हैं आपको कौन सी नई बैटरी डालने वाले हैं, जिससे कि आपको पता लगेगा हम कौन सी बैटरी डालने वाले हैं और उसका क्या बेनिफिट होगा। तो आपको दिखाते हैं दोस्तों बैटरी कौन सी डलेगी इसके अंदर। तो वीडियो कंप्लीट देखें दोस्तों, तभी आपको पता लगता है चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो देखिए दोस्तों, आज इसमें हम ये बैटरी डालेंगे, U&I कंपनी की दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी दोस्तों, 6 मंथ वारंटी है। तो आपको दिख रहा होगा ब्रांडिंग कैसी बनी हुई है इसकी डिब्बी के ऊपर, तो 100% ओरिजिनल है इसके अंदर दोस्तों, जो भी इसमें लिखा हुआ है बताया हुआ है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं कुछ इसकी ब्रांडिंग प्रोमिस वगैरह लिखा हुआ है इस पर। डबल लिथियम बैटरी है दोस्तों, काफ़ी हैवी भी होती है दोस्तों बैटरी है। तो इस पर रेट भी लिखा हुआ है इन्होंने, इस पर लिखा हुआ है दोस्तों 1999, मतलब 2000 रुपये के करीब बैटरी है दोस्तों ये। तो देखिए बाकी आप जिस हिसाब से डालते हैं, कस्टमर को जो लेस करके डालनी है डाल सकते हैं, इसमें काफ़ी लेस आती है। तो देखिए इस पे जो लिखा हुआ है 2000 रुपये की करीब बैटरी है दोस्तों। तो ये डालते हैं, खोलते हैं इसके अंदर, देखते हैं, दिखाते हैं आपको कौन सी बैटरी निकलेगी। तो हमने कट पहले ही कर लिया था, तो देखिए तो इसके अंदर कुछ बैटरी ऐसी है, काफ़ी अच्छी बैटरी बनी हुई है, तो बहुत बढ़िया बैटरी है दोस्तों। देखिए तो हैवी बैटरी है, काफ़ी मज़बूत बैटरी है, तो इसको डालते हैं, इसको डाल के दिखाएंगे आपको। तो इस पर कुछ गारंटी की डेट भी लगी हुई है, जिसपे टाइम वगैरह डेट वगैरह महीने वगैरह लिखे हुए हैं। तो इसको फटाफट इसके अंदर फिट करके देखते हैं, और फिट करके चला के देखते हैं फ़ोन हमारा चालू होगा या नहीं होगा। तो फटाफट इसको यहाँ पे कनेक्टर को लगा लेते हैं अच्छी तरह, कनेक्टर लगा के ही पता लगेगा ये ठीक होने का इसका दोस्तों। तो अब देखिए इसको ऑन करके देखते हैं, ये ऑन होगा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ऑन का हमें पता नहीं था, तो ये ऑन हो चुका है देखिए। तो जो हमने बैटरी डाली है वो बिल्कुल सही है। तो बाकी इसको जो इसकी पत्तियाँ वगैरह हमने खोली थी, इसको ऐसे ही लगा लेंगे। तो इसका कैमरा भी देखिए उखड़ा पड़ा है, ये भी इसको साफ़ करके इसमें अच्छी तरह लगा लेंगे, फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको कैमरे को फिट कर लेते हैं। अब हम इसके जो पत्ती है, पत्ती को इस पर लगाएंगे, और जो इसको अच्छी तरह सेट करेंगे यहाँ पे बिल्कुल, जो इसके लॉक वगैरह सही सेट करेंगे, तभी इसके नट वगैरह सही लगेंगे। तो फटाफट नट लगा लेते हैं इस पर, नट लगा के आपको दिखाते हैं आगे हमें क्या करना है दोस्तों। तो देखिए हमने यहाँ पर नट लगा लिया है, तो अभी इसको हम ढक्कन को लगाते हैं दोस्तों। देखिए तो ढक्कन को लगाने से पहले हम इसको अच्छी तरह साफ़ भी कर लेंगे, जो यहाँ पर देखिए ये ढक्कन है, इनको भी साफ़ कर लेंगे। और जो इसको खुरचना है, देखिए इसको अच्छी तरह चारों तरफ से खुरचना है, ताकि जो इसके ऊपर गोंद लगी हुई है वो सारी उतर जाए, और ढक्कन की भी हमने उतार ली है।
तो अब इसको चिपकाएंगे दोस्तों, और चिपकाने का तरीका भी क्या, हम इसको डायरेक्ट अगर ऐसे चिपकाएंगे तो इसकी सही तरह ये फिटिंग नहीं बनेगी और सही तरह चिपक नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आपको ये दिख रहा है फ़ोन, फ़ोन के ऊपर इसको ढक्कन को लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि नट वगैरह हमने लगा लिए हैं तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो लगाने के बाद हमें दोस्तों देखिए इस ढक्कन को यहाँ पे लगाना है, जिससे कि फिटिंग बिल्कुल अब अच्छी तरह आएगी, क्योंकि हमें इसके ऊपर रबड़ वगैरह लगानी पड़ेगी। रबड़ लगाने से तो इसकी फिटिंग सही आएगी। और इसको इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर गम लगानी पड़ेगी। तो इसको चारों तरफ किनारी किनारी पर लगा लेते हैं। गम को किनारी किनारी पर लगाने से क्या होगा, तो ये अंदर की तरफ फैलेगा नहीं और खाली ऊपर की तरफ ही इस पर गम लगानी है। तो बिल्कुल किनारी पर लगा लेंगे फटाफट दोस्तों। देखिए तो हमने इस पर गम लगा ली है, तो अब हमें इस पर ढक्कन को लगाना है। देखिए दोस्तों इसको ढक्कन को अच्छी तरह सेट करते हुए इस पर लगाएंगे, बिल्कुल सेट कर लेंगे यहाँ से, जितने इसके गैप देंगे उनको अच्छी तरह भर के। तो अब इसको सेट कर लेंगे दोस्तों। अब इस पर ऊपर रबड़ लगा लेंगे। रबड़ लगाने से क्या होगा, ये यहीं पे एक घंटे के तक सूख जाएगा अच्छी तरह, और ढक्कन फिट हो जाएगा और फ़ोन बिल्कुल ओके हो जाएगा। अगर आप इसे कलर लैमिनेशन करेंगे तो कर देंगे दोस्तों, दिखाएंगे फिर अब भी कैसे करनी है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं कल।